हिंदुस्तान जिंक आईटीसी एलएनटी समय टोटल 99 कंपनी का डिविडेंड बोनस बायबैक न्यूज कवर कर रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। टाटा कम्युनिकेशन फाइनल डिविडेंड क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 17 अप्रैल को। सुप्रीम इंडस्ट्रीज डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 22 अप्रैल को। युग डिकोर राइट इशू करेगा 1:2, राइट इशू प्राइस रहेगा ₹10। रिकॉर्ड डेट 19 अप्रैल, राइट इशू अप्लाई का डेट है 7 मई से 28 मई। कमिंस इंडिया डिविडेंड की मीटिंग है 29 मई को, साथ में क्वार्टर फोर रिजल्ट भी देगा। सुप्रीम पेट्रो डिविडेंड क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 24 अप्रैल को। नेल्को डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 23 अप्रैल को। रिकॉर्ड डेट अपकमिंग। वेंटेज नॉलेज स्प्लिट की मीटिंग है 17 अप्रैल को। रिकॉर्ड डेट अपकमिंग। स्प्लिट 1:10 आने पर स्टॉक में तेजी शुरू हो जाती है। हुल डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को जैसे ही डिविडेंड आएगा चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पंजाब केमिकल डिविडेंड क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 6 मई को। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स डिविडेंड क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 22 अप्रैल को। गेल इंडिया टारगेट दिया है ₹215 प्रति शेयर का। मोतीलाल वसवाल ने करंट मार्केट प्राइस 204 है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस है ₹1477, टारगेट दिया है 1700 का जेफरीज ने। कोल इंडिया करंट मार्केट प्राइस है ₹455, ₹520 का टारगेट दिया है जेफरीज ने। ITC करंट मार्केट प्राइस है ₹422, टारगेट दिया है 490 का JP Morgan ने। LNT करंट मार्केट प्राइस है ₹3633, टारगेट दिया है 4260 का CLSA ने। बजाज फाइनेंस क्वार्टर फोर एवं डिविडेंड रिजल्ट की मीटिंग है 25 अप्रैल को। स्वराज इंजन डिविडेंड की मीटिंग है 18 अप्रैल को। ₹100 के आसपास ये कंपनी डिविडेंड देता है और डिविडेंड के बाद तेजी भी आता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन डिविडेंड क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 27 अप्रैल को। भेलजान करंट मार्केट प्राइस 4000 है। बोनस देगा 1:1, एक शेयर के होल्डिंग पर एक फ्री शेयर मिलेगा। एक्स डेट आने के बाद स्टॉक में रैली शुरू हो जाएगा। जैसे ही एक्स डेट आएगा टेलीग्राम पे अपडेट दे देते हैं। हम टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में डिविडेंड बोनस का अपडेट देते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्वत वाला बिजनेस स्प्लिट करेगा 1:10। रिकॉर्डेड 18 अप्रैल। डीलिंग डिविडेंड की मीटिंग है 11 मई को। डिविडेंड अच्छा आने पर स्टॉक में तेजी शुरू हो जाती है। श्री सीमेंट डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर जल की मीटिंग है 14 मई को। कैस्ट्रोल मार्केट प्राइस 200 है, टारगेट दिया है ₹230 का मोतीलाल ओसवाल ने। वर्धमान पॉलीप्लेक्स करंट मार्केट प्राइस है ₹75, स्प्लिट करेगा 1:10। नोवार्टिस इंडिया डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर जल की मीटिंग है 10 मई को। UTI AMC डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 25 अप्रैल को। सम्राट फार्मेसी डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 30 मई को। BDL स्प्लिट करेगा 1:2, एक शेयर दो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ICI लैम्बर्ड फाइनल डिविडेंड प्लस क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 17 अप्रैल को। HDFC बैंक डिविडेंड की मीटिंग है 20 अप्रैल को। SCL टेक्नोलॉजी डिविडेंड की मीटिंग है 26 अप्रैल को। REC टारगेट दिया है ₹560 का CLSA ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ₹221 का टारगेट दिया है एंटिक ने। टाटा मोटर मर्जर करेगा 7:10 के रेशियो में। BPCL टारगेट दिया 890 का जेफ्रिज ने। प्रवास इंडस्ट्रीज स्प्लिट करेगा 1:10, रिकॉर्डेड अपकमिंग। ONGC 315 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। BDL 2038 का टारगेट दिया है एंटिक ने। NMDC 280 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। ICI बैंक 1230 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। हिंदुस्तान जिंक क्वार्टर फोर रिजल्ट की मीटिंग है 19 अप्रैल को। एशियन पेंट्स डिविडेंड की मीटिंग है 9 मई को। इन्फोसिस डिविडेंड की मीटिंग है 18 अप्रैल को। एम्फेसिस डिविडेंड की मीटिंग है 25 अप्रैल को। निधि ग्रेनाइट बोनस देगा 1:1, एक्स डेट के बाद स्टॉक में रैली शुरू होगा। CIE ऑटोमेटिव डिविडेंड देगा ₹5 प्रति शेयर। स्टोबेक इंडस्ट्री डिविडेंड देगा ₹17 प्रति शेयर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 550 का टारगेट दिया है CLSA ने। कोल इंडिया
561 का टारगेट दिया है नोबामा ने। अशोक लीलैंड 204 का टारगेट दिया है नोबामा ने। HDFC बैंक 2050 का टारगेट दिया है सिटी ने। LIC 1270 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। गुजरात गैस 6 मई को है डिविडेंड की मीटिंग। कोलैब क्लाउड 1:1 बोनस देगा एक्सटेट अपकमिंग। विस्को ट्रेड स्प्लिट करेगा 1:5, 1 शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होगा। नवीन फ्लोराइन फाइनल डिविडेंड Q4 की मीटिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम फाइनल डिविडेंड की मीटिंग है 22 अप्रैल को। रिलायंस का 3420 का टारगेट दिया है USB ने। श्री दिग्विजय सीमेंट डिविडेंड की मीटिंग है 26 अप्रैल को। सनोफी इंडिया 117 का डिविडेंड देगा 3 मई रिकॉर्डेड। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी डिविडेंड की मीटिंग है 7 मई को। कैनरा बैंक स्प्लिट करेगा 1:5। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल डिविडेंड की मीटिंग है 10 मई को। जुबिलेंट फूड डिविडेंड की मीटिंग है 22 मई को। भिकाजी फूड डिविडेंड की मीटिंग है 23 मई को। टाइटन इंटेक बोनस देगा 3:5 के रेशियो में। एक्साइड इंडस्ट्रीज डिविडेंड की मीटिंग है 30 अप्रैल को। अमराजा एनर्जी डिविडेंड की मीटिंग है 28 मई को। टेक महिंद्रा डिविडेंड की मीटिंग है 25 अप्रैल को। अतुल डिविडेंड की मीटिंग है 26 अप्रैल को रिकॉर्डेड अपकमिंग। देवेंगर सुगर डिविडेंड की मीटिंग है 19 अप्रैल को। बजाज ऑटो डिविडेंड की मीटिंग है 18 अप्रैल को। RS सॉफ्टवेयर डिविडेंड की मीटिंग है 19 अप्रैल को। भारत बिजली डिविडेंड की मीटिंग है 17 मई को। माइंडटेक डिविडेंड की मीटिंग है 17 मई को। एंजल वन ओनली Q4 जेल की मीटिंग है 17 अप्रैल को। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग डिविडेंड की मीटिंग है 19 अप्रैल को। सिंजिन इंटरनेशनल डिविडेंड की मीटिंग है 24 अप्रैल को। अनंतराज डिविडेंड की मीटिंग है 24 अप्रैल को रिकॉर्डेड अपकमिंग। डाबर इंडिया डिविडेंड Q4 जेल की मीटिंग है 2 मई को। भारत बिजली स्प्लिट करेगा 1:2 रिकॉर्डेड 24 अप्रैल। L&T टेक्नोलॉजी डिविडेंड की मीटिंग है 24 अप्रैल को। निर्लोन डिविडेंड की मीटिंग है 15 मई को। यह हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बजाज होल्डिंग डिविडेंड Q4 जल की मीटिंग है 26 अप्रैल को। महाराष्ट्र स्कूटर डिविडेंड की मीटिंग है 24 अप्रैल को। मुकंद डिविडेंड प्लस Q4 जल की मीटिंग है 15 मई को। बजाज फिनसर्व डिविडेंड प्लस Q4 जल की मीटिंग है 26 अप्रैल को। अनूप इंजीनियरिंग बोनस देगा 1:1 रिकॉर्डेड 23 अप्रैल। सेफलर डिविडेंड देगा 26 रुपया प्रति शेयर। कामधेनु वेंचर स्प्लिट करेगा 1:5 रिकॉर्डेड अपकमिंग। GSPL डिविडेंड प्लस Q4 जल की मीटिंग है 8 मई को। HEG डिविडेंड प्लस Q4 जल की मीटिंग है 24 मई को। GM ब्रेवरिक्स डिविडेंड देगा 7 रुपया बोनस देगा 1:4। पल्सर इंटरनेशनल स्प्लिट करेगा 1:10 रिकॉर्डेड 19 अप्रैल। सुकरा फार्मा बोनस देगा 3:1। नापबुक बोनस देगा 2:1 रिकॉर्डेड 19 अप्रैल। सिप्ला डिविडेंड प्लस Q4 जल की मीटिंग है 10 मई को। GIC हाउसिंग डिविडेंड की मीटिंग है 13 मई को। टिप्स इंडस्ट्रीज बायबैक करेगा 625 प्रति से रिकॉर्डेड 22 अप्रैल है। टाटा कम्युनिकेशन डिविडेंड की मीटिंग है 17 अप्रैल को। मारुति सुजुकी डिविडेंड की मीटिंग है 26 अप्रैल को। L&T माइंडट्री डिविडेंड की मीटिंग है 24 अप्रैल को। L&T फाइनेंस डिविडेंड की मीटिंग 27 अप्रैल।